हेलो एंड वेलकम टू साइपर वर्ल्ड। तो गाइस आज के वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसे बेस्ट लैपटॉप जो कि अंडर 20,000 रुपीस खरीद सकते हो। लेकिन अगर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप 20,000 में थोड़ा और पैसा ऐड कर सकते हो तो जरूर से करें और एक बेटर लैपटॉप लीजिए, क्योंकि जो 20,000 की रेंज है इसमें ज्यादा अच्छे लैपटॉप आपको नहीं मिलते हैं। स्टिल अगर आप नहीं कर सकते तो ये वीडियो तो आप ही के लिए, और मैंने इस लिस्ट में से दो बेस्ट लैपटॉप फिल्टर आउट करे हैं, तो देखते हैं कौन से है। फर्स्ट लैपटॉप क्या है, अविता का प्योरा डुअल कोर A6 लैपटॉप। अगर आपको अविता ब्रांड के बारे में नहीं मालूम तो एक नया ब्रांड है, जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च करा है ये काफी अच्छा ब्रांड है। अब इसके लैपटॉप अगर हम बात करते हैं, ये एक 14 इंच का लैपटॉप है जिसका वेट अराउंड 1.3 kg है। ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड ₹19,990। इसके अंदर आपको 4 GB ऑफ DDR4 रैम मिल जाता है, प्लस आपको इसके 128 GB ऑफ SSD इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि ये लैपटॉप जो फास्ट रहने वाला है, एटलीस्ट खुद ब खुद स्लो नहीं होगा। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको AMD के APU के डुअल कोर A6 प्रोसेसर मिल जाते हैं, जिसका मैक्सिमम क्लॉकिंग स्पीड जो है 2.4 GHz है। अब मैंने इस प्रोसेसर का इंटरनेट पे थोड़ा बहुत सर्च करा, मुझे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसके ग्राफिक्स की बात करें तो इसके अंदर AMD के रेडॉन के R4 ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया तो ये कॉन्फ़िगरेशन लाइक गुड इनफ है, आप अपना रेगुलर डे टू डे ऑफिस वाला वर्क कर सकते हो, 2-3 मिड रेंज गेम्स भी आप चला सकते हो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के हम बात करते हैं, जैसे कि इसके पोर्ट्स के में, तो इसके अंदर आपको एक USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 2 USB टाइप ए 3.0 पोर्ट मिल जाते हैं, प्लस इसके अंदर आपको एक HDMI पोर्ट और एक हेडफोन जैक मिल जाता है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसके अंदर जैसे मैंने पहले बोला, इसके 14 इंच का TFT IPS HD डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन जो है 1366x768p है। अगर मैं बात करूं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन काफी सिमिलर मेरे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन से, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, रेगुलर चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर बात करें इसके रेटिंग की तो इसके आपको फ्लिपकार्ट पे 3.7 स्टार्स की रेटिंग मिल जाती है और रिव्यूज जो है काफी पॉजिटिव है। अब मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में दो लैपटॉप मैंने झूठ बोला था, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा है वो एक लैपटॉप नहीं है बल्कि एक क्रोमबुक है। अगर आपको नहीं मालूम डिफरेंस क्या है लैपटॉप और क्रोमबुक का, तो वीडियो के एंड तक वेट करिए क्योंकि बताने वाला हूं। तो ये है HP का क्रोमबुक जो कि 11 इंचेस का, इसका वेट अराउंड 1 kg है और ये आपको कॉस्ट करता है जिसकी मैक्सिमम क्लॉकिंग स्पीड जो है 2 GHz है। अगर इसके ग्राफिक्स की बात करें तो इसके अंदर MediaTek के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। अगर इसके पोर्ट्स की बात करें, अगेन इसके अंदर एक आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, प्लस आपको इसके अंदर एक USB टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, आपको हेडफोन जैक मिल जाता है और एक आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है जिसके अंदर आपको 256 GB ऑफ एक्सपेंडेबल स्टोरेज है। अगर इसके बात करें आप डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको इसके अंदर टच डिस्प्ले मिलता है जो कि 11.6 इंचेस का है और जिसका रेजोल्यूशन जो है वो है 1366x768। इसके एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर 37 Wh रेटेड लिथियम पॉलीमर बैटरी जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, प्लस आपको इसके अंदर 100 GB ऑफ गूगल ड्राइव स्टोरेज मिल जाता है जो कि 1 ईयर के लिए है। और इसको फ्लिपकार्ट पे 3.8 स्टार्स का रिव्यू, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको खरीदने के लिए अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो। जानना है क्यों, मेरी ये वाली वीडियो देखें।